अफरान चमकान, आप सभी गली मोहल्ले इलाके वालों को ये सूचना दी जाती है सरकार की तरफ से, दो दिन तक यानी कल और परसों, दो दिन तक सभी बाजार, सभी मंडी, सभी मार्केट, छोटी बड़ी दुकानें बंद रहेंगी। जी हाँ, बिल्कुल बंद रहेंगी। आप सभी से अनुरोध है आज ही, बल्कि मैं तो कहूँगा अभी, अपनी अपनी जरूरत का सामान जाकर बाजार मंडी से खरीद लें। दोबारा ऐलान दूंगा नहीं, जिसने नहीं सुना वीडियो पीछे करके सुन ले। अबे दो दिन के लिए सब कुछ बंद कर रखा, क्या आफत आ गई है ऐसी? बाबू भाई क्या बात है, क्या आफत आ गई दो दिन के लिए सब बंद कह रहे हैं? अरे यार मैं भी ऐलान सुनकर ही निकला हूँ, बाहर को आके क्या बात हो गई? ओ भैया रुकिए। अरे भैया दो दिन के लिए क्यों बंद है बाजार मंडी मार्केट, ये बता के तो जा। भैया मुझे ना मालूम, मेरा काम है ऐलान लगाने का, मैंने लगा दिया। अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, क्यों बंद है मुझे नहीं मालूम। अरे बाबू भाई ये तो टेंशन देगी यार, हमें आज मंडी भी जाना था, बाजार भी जाना था, आज बंद है, आज गर्मी बहुत है, क्या करें? अरे यार सब्जी तो हमें भी लानी थी साला, और टेंशन और देख से लगा है हमें। अरे हारून भाई, बाबू भाई, मैं तो ये कह रहा हूँ अभी निकल जाओ, मैंने भी सुना उसका ऐलान, दो दिन मार्केट मंडी बिल्कुल बंद है। क्या करें बाबू भाई, हम तो फंस गए। अरे यार घिया तोरई भिंडी तो मुझे भी लानी है। मुझे भी बस 2 किलो आलू चाहिए। हाजी जी 2 किलो चिकन, 1 किलो चावल बिरयानी के लिए चाहिए थे। हाजी मुझे भी बाजार से घिया कसाई से गोश्त मंगाना था। तो यार बाजार से सब्जी तो हमें भी लानी है, मगर देखो गर्मी कितनी पड़ रही है, कैसे लाऊं? सामान तो मुझे भी लाना था मार्केट से, अब घर में काम चल रहा, अब बताओ कैसे लाऊं? अरे भैया मेरा तो काम ही आलू से है यार, मंडी बंद रहेगी, अगर आलू न हुए मेरा तो काम ही पिट जाएगा यार। अरे भाई मुझे खुद अपनी डाइट का सामान लेकर आना है यार, अंडे लाने हैं, आटा लाना है, लेकिन गर्मी देख रहे हो कितनी हो रही है, लाएगा कौन? अरे भाई मुझे तो देसी घी का टीन मंगाना है, गली में से कोई जाएगा तो मैं उसको पैसे दे दूंगा, वो ले आएगा, गर्मी ज्यादा हो रही है इसलिए मेरा बस का नहीं है जाना। सही कह रहे हो चाचा, वैसे गर्मी से ज्यादा तुम्हारी उम्र हो रही है इसलिए मना कर रहे हो तुम जाने के लिए। वैसे मैं भी इसी फिराक में हूँ, कोई जावे तो उसे पैसे दे के मैं भी अपने 2 किलो आलू मंगा लूं। क्या बात होगी, कैसे ग्रुप बनाए खड़े हो? वहाँ पे पीछे औरतें भी खड़ी है बहुत सारी, यहाँ पे तुम खड़े हो, क्या बात होगी? अरे चतुर्भुतैया तुझे ना पता क्या, अभी एक आदमी ऐलान लगा के गया इतने बड़े बाजे में। ऐलान क्या? लो इसे पता ही ना, यहाँ पूरे एरिया में मोहल्ले में ऐलान लगा गया वो। अरे सरकार की तरफ से ऐलान है, दो दिन तक यानी कल और परसों मंडी मार्केट बाजार सब बंद रहेंगे, जो लेना आज ही ले लो। अबे मुझे तो बहुत सारी सब्जी और राशन का सामान लेकर आ रहा, अबे यार मिल गया मेरे आलू लाने वाला। अरे हकी जरा, अरे कहाँ ही बाजार बंद होंगे, दो दिन तक बाजार बंद होंगे। अरे आजा जल्दी पर्चे लेकर आजा सामान का। हाँ लेकिन बस आ गई आ गई, इसमें मैंने सारा राशन का सामान लिख दिया है, ठीक है आते हुए लेते आना। और मेरे फेवरेट चीज लिखी तूने, परमल और टिंडे, वो तो मैंने सबसे ऊपर लिखे। ठीक है तो सुनो पुतैया जी, मेरी फेवरेट चॉकलेट भी लिया ना, दुलवाली। ठीक है आता हूँ। ठीक है। ओए पुतैया कहाँ जा रहा है? बाजार जाना, जल्दी उठो यार। अरे रुकना यार रुक, ले मेरे 2 किलो आलू लेता ये यार। 2 किलो आलू मंगा रहे हो और 500 का नोट दे रहे हो जनाब है? अरे चतुर पुतैया, 2 किलो आलू लेने के बाद जो पैसे बचेंगे ना, उसमें तू मेरी चिप्स, नमकीन और चटर पटर लिए आइयो, वो मुझे जुप्पी पे गेम खेलते हुए खाने की आदत है ना। अबे बच्चा है क्या? अबे बच्चा नहीं हूँ, और ये जुप्पी ऐसी वैसी गेमिंग नहीं है। फिर क्या बताइयो? अरे चतुर पुतैया, दुकान से आने के बाद मैं फ्री रहता हूँ तो मैं जुप्पी पे गेम खेल लेता हूँ, मजा भी आता है और साथ ही साथ कैश विनिंग भी मिलती है, पापा से पैसे मांगने की भी जरूरत नहीं पड़ती छोटी छोटी चीजों के लिए, इन कैश विनिंग से मेरा काम चल जाता है। ये बताओ कैसे? देख ये है जुप्पी, यहाँ हमें 10 मिनट के छोटे छोटे गेम्स खेलने हैं और जीतने पर 1.5 लाखों तक की कैश विनिंग मिलेगी। मुश्किल गेम होते होंगे? अरे नहीं, बिल्कुल कैजुअल गेम्स जैसे लूडो, स्नेक एंड लैडर, अपना सांप सीढ़ी, और इन कैश विनिंग को आप आसानी से बल्कि UPI से इंस्टेंट विड्रॉल कर सकते हैं। पर सेफ्टी क्या है भाई? अरे चतुर पुतैया, ये जुप्पी है इंडिया का अपना गेम और ये 100% सेफ और सिक्योर है, और गेम्स वो तो तू 1 रुपए से खेलना स्टार्ट कर सकता है, इसमें GST और TDS कैशबैक भी है, 10 करोड़ प्लस रियल यूजर्स हैं,
बस तुझे zuppi.com से इसे डाउनलोड करना है या लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है वहां से कर ले। आप भी जल्दी से जाके खेलो इंडिया का अपना गेम जुप्पी लूडो और जीतो लाखों तक के इनाम। मजेदार है, बाजार से हो जाऊं फिर खेलूंगा। आज तू भी चलना। ना मैं ना जा रहा, गर्मी लग रही है मुझे। अबे पागल, गन्ने का जूस पिलाऊंगा इतना लंबा गिलास। भैया ये बाजार से मेरी भी सब्जी लेते आना, इस पर्ची में लिखी हुई है, और ये 1500 रुपए, जो 10-20 रुपए बचे वो तुम रख लेना। ये लो भाई 5000 रुपए, मेरी 3 बोरी लानी आलू की और नंबर 1 की। 100-200 रुपए बचे तो वो तुम रख लेना भिखारी। अरे वो तुम रख लेना, भाई बोला है मैंने भाई। चल 10 अंडे की करेट है और 10 किलो का आटा कट्टा है मेरा। बाजार से 2 किलो शलजम और कसाई से 1 किलो गोश्त लेना मेरे लिए। 2 किलो चिकन लेना है और 1 किलो बिरयानी के चावल लेने हैं मेरे लिए। ले भैया ये पैसे ले और तुम्हारे वो लौकी भिंडी तोरी ले जा। ठीक है या एक मिनट रुक भैया, तू एक काम करे, चांप ले ये बकरे की। 4 किलो उड़द, 7 किलो गोश्त, 4 किलो कच्ची बासमती चावल और रेड बुल की 1 पेटी बोलना हारून मलिक साहब ने मंगाई है। भाई साहब मेरा एक देसी घी का टीन लिया ना, ये 10,000 रुपए है, और जरा जल्दी लाना, मेरा घी के बगैर खाना नहीं उतरता। 25, 30, 24, 25, 25, 25 आ गए, मजे आ गए। एक बात और सुन ले भाई, सुन, गली में जिस जिसने भी ये पर्ची पकड़ाई है ना, सामान मंगाया अपना, सबका सामान तू ला देगा, या तो अपनी साइकिल पे ला दियो या अपने सर पे ला दियो। मैं तो भैया अपने 2 किलो आलू उठाऊंगा बस। अब चलना कहाँ है ये तो बताओ। बाजार चलना और कहाँ चलना है। अब ये जितना भी सामान बताया सबने बाजार ही मिलेगा, बाजार चल। मतलब 25,500 रुपए लेके भी हम बाजार जाएंगे। अबे तो पुतैया फिर कहाँ जाएगा। ये रखी प्लेट, एक तुम उठा लो एक मैं उठा लेता हूँ, और यहाँ जितनी भी जो जो आइटम लगी हुई है ना, कुछ भी खा सकते हो। ठीक है ले लो। अच्छा तेरे पुतैया, अबे ये क्या करा तूने, लोगों से पैसे इकट्ठे करके यहाँ ले आया 5-स्टार होटल में और मुझे भी शामिल कर लिया अपने साथ। बस इतना सही लाए हो? अरे ये बुफे डिनर है, पता है बुफे डिनर क्या होता है? करा कभी? लेकिन मैं करता रहता हूँ भाई, जब लोगों को टोपी पहनाता हूँ और उनके साथ धांधलेबाजी करता हूँ ना, तो मैं बुफे डिनर करने आ जाता हूँ। मैंने जैसे भी किसी भी दिन किसी पे भी CPCT लगा दिया ना। CPCT क्या? चतुर पुतैया कमीशन टैक्स। जिस दिन भी जिस पे भी लगा देता हूँ, बुफे का डिनर करने आ जाता हूँ। खाओ ठंडा हो जाएगा, बहुत टेस्टी है। अबे टेस्ट की बात कर रहा है, अबे तेरे अलग से ही उतर कैसे रहा है? मैं तो ये सोच रहा हूँ जैसा तूने गली वालों के साथ करा है, सबसे पैसे इकट्ठे करे और बाजार जाने के नाम से, उनका सामान लाने के नाम से यहाँ आ गया 5-स्टार होटल में बुफे का डिनर करने। अबे तू मेरे से कह रहा खाऊं, मेरे अलग से एक निवाला ना उतरने का इस खाने का? अबे सोच, जरा सोच तो सही, क्या करा है तूने आज? मैं खाना खाई ना, पहले मैं सोच ही लूं। जरा सोच के देख, जब हम गली में एंट्री करेंगे वो भी मुंह लटका के, खाली हाथ खाली जेब, पूरे गली वाले ऐसे देख रहे होंगे खूंखार भेड़ियों की तरह हमें, जैसे हमें पकड़ते ही हमें कच्चा चबा जाएंगे और हड्डी भी नोच लेंगे। उसके बाद वो गली वाले हमारी तरफ भागे हुए आएंगे और घेरा बना के हम में बजाना शुरू। देख मैं तो घेरा तोड़ के निकल जाऊंगा घुटने के बल चल के। उसके बाद वो तुझे लिटा के तेरे मुंह ही मुंह पे धपा धप लात बज रही होंगी। फिर उसके बाद बकरे की चाप वाले चाचा तेरा हाथ लॉक करके गर्दन तोड़ के 1 मिनट में तेरा गेम ओवर। उसके बाद वो ताली देंगे अंडे और आटे मंगाने वाले बॉडी बिल्डर को, वो तुझे मरे हुए को उठा के तेरे मुंह ही मुंह पे घूंसे बजाएगा धपा धप। तुझसे ही कह रहा हूँ, कुछ ज्यादा ना पिटवा दिया तूने अपने ख्यालातों में मुझे। ख्यालात नहीं भाई, ये तो होना है। अब तू जल्दी से खाना खा और चल, मेरा तो भरा हुआ पेट यही सोच सोच के मेरे से ना खाया जावे ये। बैठ बैठ जा, इतना मत सोच, ऐसा कुछ भी ना होने वाला, खाना खा ले तू भी, ठीक है ना? पेट भर के खाना खा और 2 दिन तक हम यही रहेंगे, क्या मना है? तूने मुझे 2 दिन के लिए इलाके से भी गायब करवा दिया। अरे भैया तू तो मैटर बड़ा करवा रहा है यार पुतैया। भैया मुझे तू घर छोड़वा दे यार, मुझे घर छोड़वा दे प्लीज यार पुतैया, प्लीज यार छोड़वा दे, देखिए मेरे को छोड़वा दे, मेरा भाई पुतैया देखिए छोड़वा दे यार। अरे एक मिनट यार, बैठो इधर को बैठो यार। अरे कोई मैटर बड़े नहीं हो रहे भाई,
ये तुम्हारे लिए पहली बार आ रहा, मेरा डेली रूटीन है। अब ना तुम सोच के देखो एक बार, सोचो जब दो दिन तक हम गली में जाएंगे ना, लोगों में खलबली सी मच जाएगी, कुछ लोग नू कह रहे होंगे। अरे मुझे तो लगा यार मरमरा के दिखे हैं यार। मुझे भी ऐसे ही लग रहा सनोवर भाई। कुछ लोग कह रहे होंगे सारी गली वालों ने भी तो इतने सारे पैसे इकट्ठे करके दे दिए, मुझे तो लगे लूट मार लिया दिखे। अभी भी ऐसे ही लगा, सही कह रही। हाँ कुछ कह रहे होंगे भाई, गली के दो जिम्मेदार लड़के गायब हुए हैं जवान, हमें हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठना भाई, पुलिस में कंप्लेंट करनी चाहिए। मतलब अब हम पे पुलिस केस भी होएगा तेरी वजह से? भाई पुलिस कंप्लेंट तो होनी चाहिए जब बच्चे अपनी गली के हैं तो। भाई पुलिस को बुला लो ना। लगाओ कॉल, लगाओ अपने फोन। मैं अपने फोन से मिलाऊंगा। अरे कोई मत मिलाओ फोन, मैं खुद आ गया, बताओ क्या दिक्कत है। अरे दो लौंडे गायब है हमारी गली से, पूरी गली वालों से पैसे इकट्ठे करके बाजार गए थे सामान लेने, अभी तक वापस नहीं आए वो। आखिरी बार कहाँ देखा था तुमने उन्हें? अरे मैंने अकेले ने ना देखा, पूरी गली ने देखा है, पूरी गली से पैसे लेके गए वो। चलो तुम्हारी कंप्लेंट मैंने अपने हिसाब से लिख ली है, पुलिस कार्यवाही करेगी, इतने तुम घबराते रहो। चलो भाई चलो। ओ पुतैया, अगर पुलिस वाले यहाँ आ गए हमें ढूंढते हुए फिर? यार तुम घबराओ मत, बैठे रहो, घबरा बोल रहे हो, पुलिस क्यों आएगी यहाँ पे है? फाइव स्टार होटल में लोग मजे लेने के लिए आते हैं, लेकिन हम तो गायब है ना अपनी गली वालों के मुताबिक, तो घबराओ मत और उस दिन का इंतजार करो जब हम अपनी गली में एंट्री मारेंगे, लेकिन ऐसी हालत में नहीं। फिर कैसी हालत में? ऐसी हालत में हम लगने भी तो चाहिए ना पिटे हुए से। आओ थोड़ा सा टूटन भी हो जाओ, पर पता है हमें सबसे पहले देखेगा एक जरासे से कोई बालक, और हमें दोनों को देखते ही चिल्लाता हुआ भागेगा साला। ओबे टोपो और चतुर्पति आ गए, ओ टोपो और चतुर्पति आ गए, ओ टोपो और चतुर्पति आ गए, ओ आ गए आ गए आ गए, ओ आ गए आ गए ओ आ गए 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 आ गए। अबे कहां थे तुम दोनों? पहले हमें कहीं बिठा दो और पानी पिलवा दो, हमारी बहुत बुरी हालत हो रही है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। पानी पिला भैया पहले इन्हें। भैया पांच चार आदमी अभी इन्हें ढूंढने गए हुए हैं, फोन करके उन्हें बुला लो कि आ गए हैं। हाँ भाई तुम एक बात बताओ, तुम दो दिन से थे कहाँ हैं? पूरी गली वाले परेशान है, पुलिस कंप्लेंट हमने करवा ली, चार पांच आदमी तुम्हें ढूंढने गए हैं, हम सब गली वाले जानना चाहते हैं तुम थे कहाँ। अब बता क्या जवाब देगा उन्हें तू? हम दोनों जैसे ही बाजार में घुसे सब्जी लेने, तो हाँ आपके सलजम ले रहे थे हम, तो पीछे से एक आदमी आया, उसके हाथ में रुमाल था, वो कह रहा भैया इसे सूंघ के देखना, इसमें से बदबू आ रही है। मैंने कहा दिखाओ, मैं सूंघ के देखता हूँ। मैंने जैसे ही सूंघा मैं ढेर, उसके बाद इससे पूछा क्या हुआ? हाँ भाई इसके बाद क्या हुआ बता। फिर वो आदमी मेरे पास आया और मुझसे उसने कही कि ये तो सो गए, तुम ही बता दो सूंघ के क्या हो रहा है इस रुमाल में। मैंने जैसे ही रुमाल लेके सूंघा मैं भी ढस, उसके बाद फिर ये बताएंगे। हाँ भाई चतुर भैया क्या हुआ उसके बाद बता। उसके बाद ना, उसके बाद हमारी आंख खुली, उन्होंने हमें एक जंगल में बिठा रखा था बांध के, हाथ पैर बांध रखे थे भाई उन्होंने टकड़े करके, और हमें बहुत मार रहे थे। हमारे जो पैसे थे ना, जो आप लोगों ने दिए थे सामान लाने को, वो सब छीन लिए थे है नहीं। फिर हमें बहुत मारे जा रहे बहुत, फिर उन्होंने चाकू निकाला बड़ा सा, कह रहे अब हम तुम्हें मार देंगे। उसके बाद उन्होंने चाकू निकाल लिया भाई हमें मारने के लिए। उसके बाद फिर ये बताया क्या हुआ? हाँ भाई तू बता, तूने ऐसा क्या करा जो तुम दोनों बच के आ गए? हाँ फिर इन्होंने ऐसा दिमाग चलाया कि हम बच के आ गए। बताओ भाई बताओ क्या दिमाग चलाया तुमने? हाँ भाई बताओ 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 ऐसा क्या करा तुमने तो बच के आ गए, बताओ बताओ भाई बताओ। फिर मैंने उनसे कहा, मैं कहा देखो भाई तुम्हें तुम्हारी मम्मी के घर में हमें हमारा घर जान दो, तो हमें ये छोड़ के कहेंगे गली के कोने पे है नहीं।
माँ तो माई होती है भाई। देखो माँ तो माई होती है भाई, माँ की तो बात ही अलग है। अब कोई गुंडा हो, बदमाश हो, अच्छा हो, बुरा हो, लेकिन जहाँ माँ का नाम आ जाता है ना, माँ सबका दिल पिघल जाता है, इसलिए उन्होंने हमें छोड़ दिया जिंदा। अन्नी आज हम दोनों तुम लोगों के बीच में नहीं होते। देखो भाई अब ऐसा है, सभी से कह रहा हूँ मैं कि ये बेचारे हमारी वजह से मौत के मुंह में से बच के आए, इसलिए इन बेचारों को थोड़ा थोड़ा जिस पर जैसा भी हो सके इनकी मदद कर। बता बच गए ना? कैसी थी स्क्रिप्ट मेरी? एक नंबर, इतना सा भी सकना होने का। देखिए कोई ऐड दिखे बाहर। हाँ भैया कौन है? अरे तू तो वही है ना जो गली में ऐलान लगा के गया था आज? हाँ वही हूँ। पुतैया कहाँ? अरे पुतैया तो अंदर है, लेकिन तू यहाँ क्या कर रहा है? पुतैया की स्क्रिप्ट का हिस्सा हूँ मैं। पुतैया कहाँ? पैसे लेने। तू हट। पुतैया पुतैया क्या गपलेबाज आदमी है यार ये पुतैया। अबे ओ चतुर पुतैया, साले तूने इसे भी शामिल कर रखा अपने प्लान में। अगर इसने किसी को जाके गली में बता दी तो साले हम दोनों पकड़े जाएंगे। ये क्या कर दिया तूने? तो गाइस अगर अभी तक आपने नहीं किया डाउनलोड तो जल्दी से जाओ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और खेलो इंडिया का अपना गेम जुपी लूडो। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो पे कमेंट करना, वीडियो को शेयर करना और चैनल सब्सक्राइब कर लेना।